छिंदवाड़ा में एशिया की सबसे बड़ी ओपन कास्ट कोयला खदानों में उर्धन ओपन कास्ट माइंस का टेंडर किया गया। इस दौरान पिंच क्षेत्र के महाप्रबंधक, टेंडर ओनर और क्षेत्रीय संगठनों की उपस्थिति में उर्धन खुली खदान का भूमि पूजन किया गया। परासिया विधानसभा की WCL पेंच क्षेत्र में एशिया की सबसे बड़ी ओपन कास्ट कोयला खदान उर्धन ओपन कास्ट माइंस का टेंडर हुआ। इसमें कुल 23,25,000 टन कोयला, 75,00,000 क्यूबिक मीटर मिट्टी को हटाया जाना है। 2020-21 फाइनेंशियल वर्ष के बचे 5 माह में 2,00,000 टन कोयला, 7,00,000 टन मिट्टी निकाली जाएगी। प्रतिवर्ष 7,00,000 टन कोयला निकालने का लक्ष्य तय किया गया है। सूत्रों की माने तो इससे लगभग 200 करोड़ प्रतिवर्ष के घाटे में चल रहे पेंच क्षेत्र का घाटा काफी कम होगा। बताया जा रहा है कि उर्धन खदान से सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ कोयला महाराष्ट्र के वरोरा के वर्धा प्लांट में भेजा जाता था। खदान बंद होने के बाद व्यवसाय पर संकट के बादल आ गए थे। 2 साल पहले इस खदान के लिए फिर टेंडर हुआ था, लेकिन काम प्रारंभ नहीं हो सका, जिससे क्षेत्र का घाटा बढ़ता जा रहा था। भारतीय मजदूर संघ और श्रमिक संगठन के द्वारा उर्धन खदान के संचालन में पूरा सहयोग करने की बात कही गई है, जिससे कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। इसके साथ ही व्यापार में भी इसके चालू होने से बढ़ोतरी होगी। जो काम है ये हमने लिया है, हमारी कंपनी का नाम स्टारेक्स मिनरल्स है। हम भिलाई में सेटल हेड ऑफिस भिलाई में है और हमारे ऑलरेडी अभी लिया है बड़कुई और अम्बाड़ा, वो पहले से चालू है। तो इस माइंस में उम्मीद करते हैं कि काफ़ी दिन से ये रुकी हुई थी, अब सबके सहयोग से WCL के जनप्रतिनिधि और यहाँ के सब लोगों का रोजगार चालू और सबके सहयोग से ये बढ़िया से काम करे। अभी हेडक्वार्टर तक अभी ने एक समय में एक साथ सोच करके इस माइंस को पुनः आज चालू किया है। क्षेत्र की यह जान है, यहाँ से उत्पादन हमको प्रतिवर्ष 7,00,000 करना है। इस साल अभी हम नवंबर का के आसपास से हमारा उत्पादन शुरू हो जाएगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज।